आज आएगा या नहीं आएगा आज भी? ओहो सही है। अब खेलोगे या क्या करोगे? पर मुझे तो सोलो दिख रहा है अभी तक। अच्छा कर लो फिर, कर लो कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं जरा पोल डाला था अभी स्ट्रीम का। अच्छा बढ़िया है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बाय द वे स्ट्रीम हो गई है स्टार्ट, और एनजी खुशी FF स्ट्रीम पर जुड़ चुकी हैं, क्या बात है। विकी YT भी जुड़ चुके हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? स्ट्रीम में स्वागत है आप सभी का। पॉप आउट कर देते हैं चैट को। अरे यार क्लोज क्यों कर दी मैंने इतनी जल्दी, अभी तो लाइक भी अपडेट करने थे। चलो तो कोई ना, दोबारा ओपन कर लेंगे इसको। एक मिनट बस, मैं दक्ष FF, ओह माय गॉड क्या बात है। दक्ष भाई स्ट्रीम में स्वागत है तुम्हारा भी। अच्छा मामा की शादी में पूछता ना उसको कि तेरा क्या काम भाई, पापा जाते मम्मी जाती, तू क्यों जा रहा है मामा की शादी में? चलो मेरी आईडी चेक करो बिकी, अपना आईडी भेज दो भाई, कर दूंगा अभी चेक। एक बस एक मिनट रुक जाओ, मैं लाइक अपडेट कर देता हूँ स्ट्रीम के, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लो मैंने लाइक भी अपडेट कर दिए हैं आज के लिए। और अपना आईडी भेज दो, UID में डॉट स्पेस करके लगा देना। 2v2 कस्टम बना लो प्लीज़, 2v2 कस्टम फ्री मिलता है एनजी खुशी, बना लो और खेल लो। फिलहाल मैं अभी एकदम से आके तो कस्टम नहीं खेलता, ये तुम्हें पता होगा। अरे एग्जिस्ट नहीं कर रहा मैं, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो पहला गेम लोन वुल्फ खेलने जाते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। MRA डार्क, अब तो गेम प्ले भी खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, गेम भी खत्म होते जा रहा है भाई। अरे यार भर दिया भाई इसने तो, समय देख के दो भर दिया।
मूवमेंट भी दिखा दिया भाई इसने, अब तो दक्ष मैं ना सहरा भाई, मार के अपने सस्ते मोबाइल का मूवमेंट दिखाया इस भयंकर के भाई ने। अरे यार इसको 209 का लगा है, इसको 209 का लगा। What is this? What the hell is this? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? चादर मोड़, उसको मैं ऊपर ही मार दिया था बहुत ज़्यादा, जैसे ही वो आया ना उसको 38 के बहुत सारे रेड नंबर लगे पर मरा नहीं, इसको भी लगे हैं वापस 24 के और 34 के। क्या नेट गया उसका, वो मार चुका मुझे पता नहीं कब का। कोबरा है उसके पास। RMX 1 TC भाई दे देंगे अभी, TC रुको जरा। छोड़ दिया मैंने इसको, भाई गंदा भर रहे थे भाई की भाई। ये कहाँ गया, क्या मतलब एक गोली का है? मैं मारा उसको एक गोली तो नहीं मारा। लड्डू ब्रो कैसे हो आप, कोई DC में आए थे? भाई मैं आया था कल भी, परसों भी मैं वेट किया था तुम्हारा, तुम्हें बोला था मैं 10 बजे के बाद स्ट्रीम ऑफ करूँगा, DC आ जाना, बट यू डिडंट ब्रो। ये बैकग्राउंड क्रॉप वाला सेटिंग करनी थी, अरे उसको मैंने बताया तो था तुमको, तुम DC पे आओ मैं बता दूंगा तुमको, या तो मैंने बोला भी था तुम्हारे चैट पे रिप्लाई किया था कि इंस्टाग्राम आ जाओ, इंस्टाग्राम में बताता। देखा नहीं था। ओके तो मुझे तुम्हारा DC पे भी मैंने, वो सॉरी इंस्टा पे भी मैंने आई थिंक तो तुमको मैसेज किया था, मैं कल ना बाहर था थोड़ा तो बिजी था इसलिए ज़्यादा तो रिप्लाई कर नहीं पाया, बट थोड़े टाइम के लिए तो हेलो सर कैसे हो सर, स्ट्रीम में स्वागत है आपका। मैंने ग्रीन पर्दा लगा लिया है, उसमें क्या करना है? अरे उसको OBS में ना तुम्हें बस खाली एक फिल्टर डालना है ग्रीन स्क्रीन करके, और उसका कलर मैच करना है, और उसका जितना ओपेसिटी बढ़ाते जाओगे कलर का उतना वो पीछे से गायब होते जाएगा, तुम्हें एक परफेक्ट जगह पर उसको रखना है बस, कि कितने पर तुम्हारा सही क्रॉप हो रहा है, कि तुम्हारा इमेज कटआउट नहीं हो रहा,
बस कलर कट आउट हो रहा है। हुई ना बात, हो गया ना। ला 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 ला। ओ घर आजा परदेसी। मैंने खुद से ट्राई किया। ओके तो नहीं हो रहा क्या? फिर नहीं हो रहा है। अरे मैं बता दूंगा तुमको, तुम आओ डीसी पे आओ, या तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा बता दूंगा कैसे होगा। डीसी पे आ जाओगे तो थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा। बहुत गंदे से क्रॉप हो रहा है। हाँ वो तो उसको देखो, परफेक्टली लाइटिंग चाहिए पहली बात तो तुम्हारी ग्रीन स्क्रीन को। फिर दूसरी बात उस पर तुम्हें क्या करना होता है, मतलब फिल्टर को एक एग्जैक्ट नंबर के साथ में सेट करना पड़ता है, उसका जो स्लाइडर होता है ना उसको एग्जैक्टली, कि वो बस ग्रीन कलर को पकड़े बाकी कलर्स को ना पकड़े। और ये चीज़ तुम्हें भी फिर नोटिस करनी पड़ेगी कि तुम्हें बाकी के टाइम में ना बाकी के अलग कलर यूज़ ही नहीं करने, मतलब जो कलर तुमने क्रॉप कर रखे हैं, कलर हाइड कर रखे हैं, वो कलर तुम्हें खुद भी यूज़ नहीं करने अपने ड्रेसअप में या अपने किसी भी RGB में, तो वरना तो उनको भी क्रॉप आउट कर देगा फिर, वो थोड़ा भद्दा लगता है। ठीक है, फ्री फायर गेमिंग TC ब्रो। हाँ रुको 1 मिनट, स्क्वाड कर देता हूँ किसी भी बंदे को, जो भी बंदा आएगा भाई चैट में अपना नाम लिख देना। ये लो TC दे दिया मैंने, 4952476, 4952476 ये TC है। स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट से, 2 सेकंड स्क्रीन पे टैप करोगे लाइक का ऑप्शन आ जाएगा, लाइक करके और ज्वाइन कर लो। ये लो कौन से ऐप से करना है? अरे ऐप नहीं, तुमको क्रॉप कुछ नहीं करना, तुमको क्रॉप कुछ नहीं करना, तुमको लाइव फीड में जिससे भी तुम स्ट्रीम करते हो, लाइक OBS से करते हो तो OBS में, स्ट्रीम लैब से करते हो तो स्ट्रीम लैब्स में, या जिस भी अदर भी किसी ऐप से करते हो उसमें किसी भी कैप्चर वीडियो कैप्चर डिवाइस के ऊपर फिल्टर ऐड कर सकते हो। वो फिल्टर सेलेक्ट करो, फिल्टर में जाओ, प्लस आइकन पे क्लिक करो, वहाँ पे वीडियो फिल्टर होते हैं, वीडियो फिल्टर में से तुमको क्रोमा की उठाना है या तो कलर की उठाना है, जो बेस्ट काम करे तुमको वो की लेनी है, कलर की या तो क्रोमा की। पहले क्रोमा ट्राई करना, और क्रोमा में ग्रीन कलर सेलेक्ट करके जिस भी कलर का तुम्हारा बैकग्राउंड है वो कलर, या तो डायरेक्ट डिफॉल्ट ग्रीन सेलेक्ट कर दो, उसको स्लाइडर को चेंज करके देख लो कौन से पे सेट आ रहा है, अदरवाइज तो पिक कलर करके स्क्रीन कलर चूज कर लो तुम्हारे ग्रीन स्क्रीन का, फिर हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुम्हें क्योंकि तुमने अब से पहले कभी किया नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम एक बार DC आ जाना, मैं DC में सही से बता दूंगा। ठीक है, मैंने क्रोमा की से किया था। हेलो हंटराइज्ड भाई, हंटराइज्ड भाई। कलर की से भी ट्राई किया। ओके नहीं हो रहा क्या कलर की से? फिर और तो मैच ऑफ करना पड़ेगा। फ्री फायर गेमिंग मैंने TC चैट में भी दिया है और TC मुंह से भी बोल के दिया है, ब्रो तुम ज्वाइन नहीं कर रहे तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट। नूब गेमर सुमित, वेबकैम कौन सा है भैया? ब्रदर मैं वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल का कैमरा, एक्चुअल में वेबकैम नहीं है। वेबकैम का ना कितना भी अच्छा वेबकैम लो, क्वालिटी नहीं मिलता तुमको अब, या तो तुमको 10 10 हज़ार के आसपास तक का वेबकैम खरीदना पड़ेगा। 10 हज़ार का वेबकैम ना खरीद के मैंने 10 हज़ार वाला मोबाइल जो मेरा है उसका कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है, अच्छा खासा क्वालिटी है वेबकैम का, तो सही हो रहा है उससे, बस उसके लिए ऐप यूज़ करना पड़ता है तो वो ऐप से चल रहा है। ठीक, सिम कोड नहीं हो रहा। ओके नाइस भाई, कीप इट अप, बहुत अच्छे हो, बहुत आगे जाओगे। अरे ऐसा ना हो कि भाई जहाँ भी जाऊँ हर हर कोई हो रहा है चल आगे निकल, ऐसे नहीं आगे जाना, अच्छे से आगे जाना है भाई। हाँ जी सर, क्या बोल रहे थे दक्ष भाई आप? नीचे क्या बना हुआ आ रहा है मुझे नहीं पता चल रहा। अरे पता नहीं तुमको क्या क्या दिखता है, स्टार्ट मत करो प्लीज भाई, अभी तो हो भी गया स्टार्ट यार, कितनी देर पहले तो टीम कोड देखा था। अरे चैट में भी दिया हुआ था, चैट में से नहीं मिला तुमको? इसी तो मैंने चैट में भी सेंड किया था।
ये BR रैंक है, BR रैंक में नहीं उतरते उतनी दूर से। थोड़े से यार मेरा सेंस ही कितना हाई हो रहा है। डाल उस लाल गन को एनिमी के दिव्यांग में। मेरे को तो ऐसे तक तक हो रहा है। अरे ये पीवी संधु का भाई है। मैं तो हवा में बोट ढूंढ रहा हूँ, पहले बोट मिल जाए तो बढ़िया है। भाई तुमने मेरी बात नहीं मानी भाई। भाई मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, मैं किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ अपनी बात मानता हूँ। उसके पहले बैकग्राउंड क्रॉप नहीं करना होता है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं करना होता ब्रो, यू जस्ट डोंट नीड टू कट एनीथिंग। बस दो तीन थ्री लेवल की गन है वो उठा लेता हूँ, बाकी तुम उठा लेना सब कुछ। क्या मेरा चैट आ रहा है ओडी भाई? हेलो 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 ओडी भाई, आ गया तुम्हारा चैट ओडी भाई? दो हेलो आए हैं तुम्हारे। उसके पहले हर्ष से काफ़ी देर पहले चैट आया था, वो पिन कर दिया मैंने, उसके बाद उससे कोई चैट नहीं आ रहा था। दो काफ़ी हैं ओके। Capturing the revival point. तेरे पास बंदा है डॉक्टर स्ट्रेंज। एनिमी स्पॉटेड। नूब गेमर सुमित भाई, नूब गेमर भाई यार एक प्रॉब्लम है हमारे चैट में, कोई भी बंदा नूब लिखता है तो। अरे नहीं मत मार मत मार, अरे तेरी भैंस की पूंछ मत मार भाई। पता इसको मैंने, अरे 198 का खा के आई थी, 198 पड़ा इसको डेजर्ट इसका ग्रोजा का। ये ओवरले कहाँ से बनवाया? अरे सारा बता दूंगा यार, ये चैट में तुमको समझ में नहीं आएगा। डीसी आ जाओ ना, डीसी बता दूंगा भाई स्ट्रीम के बाद 10 बजे। तो 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे में तुम अगर तुम्हारा कुछ भी काम है तो वो कर लो, या तो तुम आके हमारे साथ मजे ले सकते हो अभी डीसी पे। 2 घंटे बाद मैं पूरा फुल सेटअप ही करा दूंगा तुम्हारा, मतलब कोई टेंशन और कुछ काम ही नहीं बचेगा, तुमको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा इधर पे। सेटिस्फेक्शन से मेरा मतलब है जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी की जाएगी, बस लोगों की पार्ट मत मांगना इधर आके। मैसेज करना कहाँ, मैसेज करूँ कहाँ पर ये तो बताओ, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम जिंदा हो कहाँ हो, किस पे मैसेज करूँ? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैसे भी मैं इंस्टा में उतना इंटरेस्ट नहीं हुआ यार, इसीलिए मेरा इंस्टाग्राम मैंने ज़्यादा आज तक यूज़ ही नहीं करा। मैं कुछ डालता उलता वो नहीं उधर, कोई कोई बंदा रील वील भेजने का काम में आता है, मतलब रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं भी थोड़े बहुत। तो सामने से एनिमी आ रहा है गाड़ी लेके कोई, तो रियल को मारा मैंने इधर, एक और को रियल को मारा है। उधर एक नोबड़ी भागी है, वो फेक है मतलब बोट है। नाम बता दियो अपने टीममेट को, मैंने मारा है। मार दी क्या वो बोट? नहीं ओके। वाइप आउट।
ये एमसी स्टैंड का भाई एमआरसी स्टैंड जा रहा था। अरे नाम उसका एमआरसी था। तो यहाँ पे एनिमी है। ये छत पे था और छत पे से उस बंदे को मार रहा था जिसको मैंने मारा। मैंने उसको एक गोली मारी, वो नॉक हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ ये एनिमी फायर कहाँ से कर रहा है। इसने पहले अपना सेंटिनो स्टार्ट किया, सेंटिनो नीचे उतरा जैसे ही तो तुरंत ये टेलीपोर्ट हो गया। पीछे खड़ा हुआ था मैं। अरे आ उसको मार देना वो मॉन्स्टर को। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, मुझे बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है इसमें। अरे रुक ना, बिठाना भाई, बैठ गया। चलो लेफ्ट में है वो मॉन्स्टर, दूर पे लेफ्ट पे देख। अरे लेफ्ट में नूबड़े, राइट पे कहाँ घूम रहा है भाई। अब कहाँ बताऊँ, अब तो बहुत दूर है, वो गायब हो गया। यहाँ पे देख, मार्क क्या है, मार्क। एनजी कुर्सी, मैसेज डिलीटेड बाय, किसी ने डिलीट कर दिया। तुम्हारे एक घोड़े लगा दिए हैं किसी ने। अरे भाई मेरे से एक गड़बड़ हो गई। क्या हो गई गड़बड़ी भाई, क्या गड़बड़ हो गई सर। उतरू कैसे, इससे उतर नहीं रहा। कैसे स्पॉन करते, इसमें जाना पड़ेगा बीच में। नीलेश भाई सीएस रैंक खेलना पसंद करोगे? बिल्कुल सर खेल लेंगे। कुछ आ ही नहीं रहा ना, कुछ नहीं आ रहा इसमें यूज करने का, नहीं आ रहा मेरे पे। अरे नहीं आ रहा ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो नीलेश भाई आ तो इसके बाद करते हैं सीएस रैंक, ठीक है। ओके बेटा आ रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, पीक में, पीक के अखबार में खबरें छप गई क्या? मंदिर जाके आया 9 बजे। ओके सर आ जाओ आप मंदिर जाके, मेरे लिए भी विश करके आना, भगवान से प्रार्थना करना कि भाई अंडर भाई के भी व्यूज़ दे दो, मेरे भी व्यूज़ दे दो, और तो जितने मुझे दो उसके डबल अंडर भाई को देना। 30 मिनट में आया। ओके ठीक मॉन्स्टर ट्रक सामने जोन आ रहा है भाई, मैं जोन में तो नहीं पिटना चाहूंगा एनिमी से। डन ठीक है। नीड इक्विपमेंट। अंधा भी है। अरे यार मार दूंगा, ठीक है। अटना चू अरे मर गया मार। भाई 1 सेकंड में भी उसको मारना है, वो क्या भी कुछ आएगा डायनासोर जैसा ना।
अरे इसको मारना है, इसके बस सर पे एम कर ले और उसको मारता रहे उधर। ये बीच में ना वो करेगा थोड़ा थोड़ा। इससे एक्स्ट्रा रैंक प्लस होती है कुछ तो। ये है बात, एलाइट हीरोइक हो गई भाई। चलो नेक्स्ट, किसी को आना है टीसी से? नीलेश तो 9 बजे आने को तो बोला आधे घंटे बाद। पंजाबी कटकुड़े कौन आ रहा है भाई? टीसी किसी को चाहिए तो आ जाओ। ओडी भाई तुम आ रहे हो? ओडी भाई मैसेज क्या किया था तुमने? वो डिलीट हो गया शायद मेरे बिना देखे ही। तुम क्या बोल रहे थे कि मेरे से गड़बड़ हो गई? टीसी नूब गेमर सुमित भाई टीसी, रुको मैं दे रहा हूँ टीसी, चैट में भेज रहा हूँ ठीक है, चैट में से कॉपी कर लेना तुम। ये लो चैट में मैंने भेज दिया है मैसेज, टीसी आ चुका है चैट में, उठा लो जल्दी से, दो बार भेजा है ठीक है। चैट से कॉपी नहीं होता? हाँ कॉपी तो नहीं होता, बट चैट में जो आता है उसको खुद से टाइप कर सकते हैं उसके नीचे देख के, और फिर उसको कॉपी कर सकते हैं जो लिखा हुआ है। हाँ पढ़ के भी बता दिया मैंने तो, 6502276, 6502276। बच्चे मन के सच्चे, फोन वाले लोगों से नहीं होता, सबके पास पीसी नहीं है, चैट से कॉपी। अरे मतलब सर आप समझे नहीं, मैंने चैट में जो भी मैसेज भेजा आप उसको देख के तुरंत उसको पढ़ के या दिमाग में तो याद हो जाता है ना, वैसे उसी टाइम पे उसको चैट में भी लिख लो और कॉपी कर लो दिमाग में से लिख के, मतलब चैट में लिखो मैसेज है। क्या बोल रहा है उसको सुनना पड़ेगा, गेम में ही सुनूंगा अब तो। मनी जट हाय ब्रो, जल्दी में हूँ, बताने आया था कि नहीं आ सकता आज, ऑनलाइन कहीं जा रहा हूँ। ओके मनी जट कोई बात नहीं भाई, घूमो फिरो मजे लो, मैं भी कल बाहर था, तुम भी जा सकते हो बाहर। हाँ ना भाई, कल मैं भी एक शादी में ही था भाई, कल शादी में गया, पूरा दिमाग सड़ जाता है यार शादी में जाने के बाद ना, मूड पूरा ऐसे हो जाता है मेरा, नींद लगती है 2-3 दिन की नींद जुड़ गई। हाँ अरे खाने वाने का तो छोड़ो, मुझे खाने का कभी एक्साइटमेंट नहीं होता शादी में जाने का, मतलब होता है कभी अपने दोस्तों के साथ जाने का, अगर मैं दोस्तों के साथ में कहीं जा रहा हूँ तो वो एक्साइटमेंट रहता है कि बस भाई उनके साथ में टाइम स्पेंड मिलेगा थोड़ा सा करने को। हेलो घोष, हाउ आर यू बेबी?
कार में जाओ पर भीड़ में मत जाओ। सही यार, एकदम सही बात है भाई, भीड़ में नहीं जाना चाहिए। नहीं, डीसी की नहीं जा रही आवाज। अरे किसने किसने लैंड कराया भाई, किसने लैंड करवाया ये? कितनी खराब लैंडिंग हमारी। शादी में भाई हम पैसे वाले वो रखते हैं, बंदे नाचने वाले, मतलब समझ रहा है ना तू, नाचने वाले पैसे में आते हैं, हम खुद डांस नहीं करते। अरे नेचुरल अपनी शादी में नाचते हैं भाई, किसी की भाई की हो, भैया मतलब दीदी की हो, तो ऐसी शादी में तो नाचते हैं साला। ऐसी अनजान शादी में जाके कौन नाचे भाई, मामा की, फूफा की, चाचा की, ताऊ की, अनजान है सब। अरे मतलब मामा के यहाँ किसी की शादी पड़ रखी है, मम्मी जा रही है मम्मी के साथ, मजबूरी में हम चले गए। कुछ नहीं कर सकता, हटना, इसके बंदे को नॉक कर लिया था मैंने, तूने बकचोदी करी मेरे साथ, मार दिया इसको मैंने। अरे मैंने भी नॉक कर रखा है ऐसे तो। अभी ये बंदा जाएगा पीएसडी वो वहाँ पे अपनी दिखाने, एनएसजी लाइव। चलो एक बार सुन लेता हूँ। आई डोंट इवन केयर। में आ रही है, अच्छा है भाई, बढ़िया चीज है। नदी हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं कर दूंगा लाइव के बाद, अभी बोला तो है इसको। एनएक्सटी अब्दुल के साथ तो नहीं कर लिया तुमने? टिक 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 टिक। एक्शन बॉयज, क्या हाल चाल बाबू भैया? हेलो ब्राडी, हेलो ब्राडी ब्राडी। अरे कल एक शादी में था मैं शादी में था। वाह संगीत, उतना टाइम तो नहीं है मेरे पास कि मैं संगीत में भी जाऊं, पर शादी में था। समझ सकता हूँ, मतलब मेरी भी थोड़ी एक क्लोज वन ही थी बाय द वे, बट मैं भाई उतना ही मतलब रखता हूँ बस जितना मैं हूँ। मेरे से मतलब नहीं, पता नहीं, मेरे से नहीं होती भाई वो फालतू की चीज़ें भाई, इधर उधर फालतू में घुसे पड़े हैं सबके फैमिली के साथ में, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बेवजह सबसे बात कर रहे हैं। मैं अपने किसी भी शादी में जाता हूँ केवल उस तरह से कि भाई जो बंदा आके मुझसे डायरेक्ट मिल रहा है बोल के भाई अरे भाई क्या हाल चाल, मैं उससे बात करता हूँ, बाकी लोगों की तरफ तो शक्ल तक नहीं देखता उनकी। बंदा उतरा अंदर,
help me. Thanks. I need equipment. Enemy spotted. लगाया नहीं है अबे उसने केवल उसमें बीच में से कटआउट क्लिप कटआउट किया है ना हाँ होता है भाई बंदों को देख के ना समझ में नहीं आना चाहिए बस कि हुआ क्या है बस मेरे जितना दिमाग नहीं हो उनके अंदर तो वायरल होगा 100% और एक सीन तो ये भी है कि मतलब इनके देख मेरे जितना दिमाग भी है ना तब भी बंदे को एक बार देखना तो पड़ेगा ही कि इसने किया क्या है ठीक है वो रिपीट में उसको पहले एक बार देखेगा कि हुआ क्या फिर उसको समझने में टाइम देगा कि ये किया कैसे Mission accepted. Need equipment. कोहली के साथ तो यही होता है चिकन की दुकान में क्या करने गए रे तू ए तेरी माँ की चुप हो जा तू चिकन खाता है भाई गंदा है तू अच्छी भाई बात मत कर अरे गंदा है तू कल को पता चला कि भाई तू चिकन लेने गया उधर पे किसी को तेरे भाई बहन या मम्मी पापा में से किसी को काट के लटका रखा उधर ही कि भाई चिकन तो खत्म हो गया ये बचे थे ये ले जा क्या फील होगा तेरे को बता दो जरा एक बार नहीं भाई गलत चीज है डाकू कभी सोच के देखना मतलब इस चीज को जो मैंने अभी अभी बोला ना देख हो सकता है तुझे ना बहुत बुरा लगा होगा मेरे घर पे आ जा तुझे फ्री में जितना सब्जी खाना उतना खिलाऊंगा बता क्या खाना है भाई हमेशा ना वेज तो हमेशा सस्ता ही रहेगा नॉन वेज से कुछ भी हो जाए अच्छा कितना महंगा होगा चिकन क्या रेट में लाता है तू कितना सस्ता मतलब फिर भी एक एस्टिमेट प्राइस तू लेके आया तो तुझे पता ही होगा कितने का आया 1 kg कितने का होता है नहीं तू लेके आया तो भाई तुझे ऑब्वियसली पता होगा ना कि तू जितना भी लेके आया उसका प्राइस एक दिया होगा तूने वेलकम टू स्ट्रीम भाई कैसे हो स्वागत है तुम्हारा यार गलत मतलब देख डॉगू कभी मतलब वैसे तो वेजिटेबल पहली बात तो देख सस्ती होती है चिकन से जहाँ तक मुझे पता है चिकन का मिनिमम प्राइस तुम्हारे इधर भी 200 के आसपास तो होगा ही शायद तो या तो 150 के आसपास तो होगा ही कि 150 रुपये में 1 kg आएगा तो 150 रुपये में ना मतलब बराबर काफ़ी सारा वेजिटेज खरीद सकता है लाइक 2-3 दिन तुम आराम से अलग अलग सब्जियाँ बना के खा सकते हो नहीं भाई क्या महंगा होगा टमाटर पूरे ऑल ओवर द इंडिया 40 रुपये के पर केजी बिक रहे हैं हो सकता है उधर पे 60 kg होंगे 60 रुपीज़ पर केजी भाई अपने अपने हॉस्टल की लगा रहा है तू एक ही लाइन में गेमर समीर वाईटी वेलकम टू स्ट्रीम भाई सीधा बोल दिया कि अगर हमारे हॉस्टल वाले आलू अफोर्ड कर सकते हो तो सोच लो कितना सस्ता होगा
हम दाम को तो खुद सोच ले भाई, उसके हॉस्टल वाले अफोर्ड कर पा रहे हैं तो तुम तो कर ही सकते हो यार, ऑब्वियसली कर सकते हो। अबे देख, कैंपस और मतलब ओवरव्यू ऐसे रखते ही है हॉस्टल वाले, अगर नहीं रखेंगे ना तो बाकी को अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे। लाइक अब तूने भी देखा तो तू पहली बार में ही तेरी जल गई, अरे भाई क्या हॉस्टल है इनके पास, तो इसी चीज से तो अट्रैक्ट करते हैं। बाकी अंदर क्या होता है उसका बाद में पता चलता है, प्लेयर मतलब जो उधर पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं। हाँ क्या हो रहा है आपके साथ में, आपको फैसिलिटीज मिलती हैं? फैसिलिटीज के नाम पे वो बोलेंगे भाई सिर्फ हमें यहाँ फंसा के रखा है जेल की तरह। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे ब्रो, योर PS वर्जन, ब्रो आई एम यूजिंग ब्लू स्टैक्स फोर्स एक्सटेंडेड वर्जन, दैट इज कॉल्ड E4VX बाय द वे, यू कैन वॉच इट आउट हियर इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ये ब्लू स्टैक्स फोर का ना एक्सटेंडेड एडिटेड या अपग्रेडेड कुछ भी समझ लो इसको, वो वर्जन है ब्लू स्टैक्स फोर का। हाँ जी सर, ये लास्ट पर ये लास्ट बंदा क्यों नहीं मिल रहा भाई? जी यार क्या बंदा है भाई, इतना क्यों देखता है भाई? एक टाइम के बाद ना मेरा सर दर्द करने लग जाता है भाई, आंखें मना कर देती हैं कि अब नहीं देखना, बस बंद कर इसको। प्राइवेट DC में ऐड करो ना ट्रेंस ऑनियन 12 रुपीज़ kg। अरे भाई ये लो भाई, ऑनियन 12 रुपये किलो है भाई, बताओ और क्या चाहिए इससे सस्ता। Whoever, मैं किसी को भी नहीं ले सकता प्राइवेट DC में तो ब्रो। नहीं भाई प्लीज भाई डोंट यू माइंड, बट प्राइवेट DC में नहीं। ये बंदा ऊपर है क्या? नहीं यार, क्या हो रहा है? 240 और 280, 240 यूज करो ब्रो, 240। गेमर्स नहीं, वो बहुत पहले मतलब कुछ 15 दिन से ज़्यादा हो गए आई थिंक, तो 1 महीना हो गया वो यूट्यूब फेस्ट हुआ था। यूट्यूब फेस्ट में ना बहुत सारे यूट्यूबर्स मिले थे। कितना दे भाई, 250 का डैमेज देता है एक। मर गया, चल गया इसकी बुंड। ओके माउस एंड एमुलेटर DPI, माउस DPI ब्रो इट्स 2400 एंड एमुलेटर DPI इज 480 एंड वन। जो एक्स एंड वाई यूज़ करता हूँ इन गेम की जो की मैपिंग होता है उसमें। ओके एक्स मैंने रखा है 1.5 एंड वन वाई रखा है मैंने 1.2। क्या कर रखी है प्राइवेट? रुक प्राइवेट तो नहीं है, हाँ रुक मैंने कर दिया था। इतना इधर उधर के बंदे बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं भाई, मैं क्या ही कर सकता था। ट्विक्स यूज करता हूँ ब्रो डिफॉल्ट में 16450, और अगर उसको थोड़ा मतलब कई बार ऑप्टिमाइजेशन का ना कुछ PC में अच्छे से वर्क करता है कुछ में नहीं करता, तो तुम 21066 यूज करके एक बार ट्राई कर लेना। अगर 21066 तुम्हारे में बेस्ट वर्क करता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हेडशॉट बहुत ज़्यादा अच्छे पकड़ता है उसमें, काफ़ी स्मूथ होता है। पर कुछ PC में ना वो अच्छे से काम नहीं करता, मतलब वो
स्टक होता है बीच बीच में, तो डिफॉल्ट की ही यूज़ करना फिर तुम, डिफॉल्ट जो ट्विक्स होती है। एनी रेजिडिट नहीं यूज़ करता, रेजिडिट कोई यूज़ नहीं करता, नॉर्मल माउस का एक रेजिडिट होता है, माउस वाला यूज़ करता हूँ, मतलब माउस की सेंसी को थोड़ा वो स्मूथ कर देता है। चलो और किसी को आना है तो ये लो TC 8467076 8467076। नहीं खेल रहा क्या तू? सार्थक मिश्रा हेलो, मैं भी खेलूँ प्लीज, आ जाओ भाई, बिल्कुल आ जाओ। ओ वो वाला रेज दे सकते हो ब्रदर, एक चीज देख लो तुम मेरे मतलब चैनल पे ना एक वीडियो पड़ा हुआ है पेड सेंसी के नाम से, भी जो लेटेस्ट वाला है, उस वीडियो में मैंने रेजिडिट का आई थिंक लिंक दे रखा है, तुम उस पर से डाउनलोड कर सकते हो। वो रेजिडिट भी तुम्हारा एम्यूलेटर और माउस दोनों के लिए वर्क करता है, अच्छा रेजिडिट है और कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और बाय द वे अपने रेजिडिट का पहले ना एक बैकअप ले लेना, एक्सपोर्ट कर लेना कहीं भी, तब उसको डाल के चेक करना, अगर तुम्हारा अच्छा काम कर रहा है तो यूज़ करते रहना, अदरवाइज तो तुम अपना डिफ़ॉल्ट वाला वापस से इम्पोर्ट कर लेना उस वाले को डिलीट करके। भाई चैट में दे दो कोड। ओके ठीक है, चैट में दे दे रहा हूँ। डाकू आ रहे क्या? चूचे दिखाने पे 100K सब्स भाई, मैं गारंटी चाहता हूँ इस चीज़ की, दिखा दूंगा। पता चला चूचे भी दिखा दिए और 100K भी नहीं हुए भाई, फालतू में। हाँ ऐसे भी कर लो। अरे भाई मत पूछो भाई, जिंदगी खराब हो रही है, उसके व्यूज नहीं आ रहे, थंबनेल का भी इफेक्ट पड़ता है। और उसने ना मतलब सोचा होगा कि इतने आ रहे हैं और ज्यादा आने चाहिए, उसने कुछ बाकी चीजों में भी चेंज किया, टाइटल वगैरह में भी। हाँ जी हाँ जी, ओडी भाई क्या हो रहा है? अरे मुझे लगा छोटा सा देखने में ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, मतलब वो थोड़ा ज्यादा दिखता है ना ऐसे, इसलिए। और हंड्रेड भाई क्या हाल है, कैसा? हाँ हाँ, तो इसीलिए ना वो टाइटल खेल रहा है फालतू में भाई। एक बार ब्रदर ये लो, मैंने चैट में दिया तो था, वापस भेज रहा हूँ, ये लो वापस दिया TC। हर किसी को लगता है कि अब व्यूज आ रहे, अब तो कुछ भी करो। कमेंट UID। अरे हाँ वो मैंने नोटिस नहीं किया उसको। चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं भाई, ऑन स्ट्रीम करेंगे तो फिर ये जलेगी ना इसमें बराबर हमारी। हाँ दे दिया ठीक है ना, बराबर चलो हो गया भाई। मैंने TC वापस दिया है, नहीं डालते कहाँ है। अरे यार TC बंदा मांग रहा है पर बोल रहा है डालते कहाँ है भाई, डाल लो जहाँ भी जगह दी तुमको। ये देखो यार इधर पे जाओगे ना। हाँ जी मैं सेटिंग कर रहा BS का योर ग्राफिक कार्ड। ब्रो मैं ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा हूँ उसका MSI का रेडियन RX 6600 मैच 2X, 8GB का ग्राफिक कार्ड होता है और मैक्सिमम इसका क्लॉक रेट होता है 2500 के ऊपर। तो मिल गया, सॉरी ठीक है सार्थक मिश्रा भाई, ठीक है डाल के आ जाओ अपने में, मतलब
टीम कोड डाल के आ जाओ। अब भाई तुम हो हैकर टाइप के बंदे भाई, 45 लेवल है तुम्हारा, रैंक रीसेट हो चुका है। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी गेम देख लेता हूँ बस। मुझे अगर पता चला ना कि तुम्हारा रैंक रीसेट हुआ है तो मैं जिंदगी अपनी बर्बाद कर लूँगा। वेपन भी यार में कुछ नहीं है, सीएस में कुछ नहीं है। चलो फिर तो नॉर्मली बंदा है ये। 4060, अरे भाई 4060 में तो मज़ा आ जाएगा तुम्हारा, तो 4060 में तो बढ़िया चलेगा, नो लैग वगैरह। खाना खा लेता हूँ। ओके ओडी भाई, ठीक है समझ गया। चलो यार सारे बंदे लाइक बस करते रहना, जो भी बंदा स्ट्रीम पे जुड़ रहा है लाइक करते रहना बस, सभी के सभी। Head to the vending machine. Roger. Na 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 na. Trailer. Na 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 na. Got a gun. फोर्ट बंदे को गन मिला, उतारने के तुरंत मार दिया, कोई बात नहीं भाई। इत हैपेंस। ये लो तुमको दोबारा उतार दिया मैंने जमीन पे, एंजॉय। फॉरेक्स किलर तुम्हारे पास में एनिमी है, एनिमी एनिमी स्पॉट। टेक्सन गुड जॉब। Take say and
Need equipment. La 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 la. Whoa, la 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 la. Capturing the revival point. किधर है? इधर इधर रिमोट दिखाते हैं, अगर कोई आएगा यहाँ पे तो उसको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब दिखेगा सबको नाम इधर मेरा। Capturing the defense airdrop. वन एनिमी है लो ही आ गया मैं तुमको मारने। ओ पीवी ध्रुव यार, ये पीएस दीवू, क्या नाम है इसका, पीएस दीवू मरते रहेगा क्या भाई गेम में? इतनी चुल क्यों है तुमको मरने की? अब रुक तो सही, मेरे आने तक पहले ही प्राण त्याग दिए, प्राण वगैरह उड़ गए इसके भाई के तो पहले ही। ये लो 4x किलर को भी चुल काट गई भाई इतनी देर में। बेशर्मों की तरह मर रहे भाई टीममेट मेरे। मारा कहाँ था इनको? इनको मारा कहाँ था? सुपम गेमिंग वेलकम टू स्ट्रीम। समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये मरे मरे जा रहे हैं, बता तक नहीं रहे। एनिमी
एनिमी स्पॉटेड बोलते हैं एटलीस्ट। हेड देयर। GCI, हेलो ब्रदर, फिर में स्वागत है आपका। अबे यार क्या हो रहा है ये? राजा फ्री फायर भाई मेरे किसी के साथ कस्टम करवा दो। राजा भाई करवा देंगे, अभी कोई आएगा तो बोलेगा जो कोई दूसरा बंदा भी कि मेरा भी कस्टम करवा दो। यार आई ट्राइड हार्ड बट तीनों लोगों ने कुछ किया ही नहीं भाई, टीममेट्स ने। मेरे अकेले का 8 किल है, फॉरेक्स किलर के भी 5 हैं, तो 4 पे वो तो 1 पे ही है भाई। क्या बंदों को मरे जा रहे हैं, मैं एक भी बार नहीं मरा था अब तक और बिना मरे मैंने इतने किल निकाल लिए। मेरे टीममेट 3-3 4-4 बार रिवाइव हो चुके हैं। किल तो छोड़ो, गेम ही नहीं खेला जा रहा उनसे। भाई मजा आया वो कार से करके, पर मर गया। कोई बात नहीं, चलो जो भी किए जैसे भी किए बढ़िया किए। फिलहाल तो मेरी मरने की वापस कगार पे हूँ मरने के। ओके सॉरी, इधर से तो उठा चुका है ऑलरेडी मेरा कोई टीममेट। अरे यार इसको मार दिया यार, पीवीएस दीपू को। आई कैन डू नथिंग, कोई तो एनिमी है इधर पे।
हट भाई, सबको तो हेड मारे एक एक। साले रिवाइव होने दे रहे, फिर किल चोरी कर रहे एक दूसरे का। भाई इनको मैंने वहां भी पेला था गंदा वाला, नॉक होने के बाद जैसे रिवाइव हुआ वापस दूसरे बंदे को हेड मार दिया था। पर चलो कोई बात नहीं भाई, सिर्फ चार की वॉचिंग ठीक है, होता है ऐसे भाई। पता नहीं क्या गड़बड़ है। ओहो ओहो अरे यार, किसने कैंसिल कर दिया? भाई मेंबरशिप का फ़ायदा बताओ। सुम गेमिंग मेंबरशिप का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें इजीली कोई मॉडरेटर पहली बात तो टाइम आउट नहीं मारेगा, दूसरी बात चैट प्रायोरिटी दिखती है कि मेंबर्स के चैट ज़्यादा इजीली रीड करे जाते हैं, पहले रीड करे जाते हैं, और क्या बेनिफिट होता है मेंबरशिप लेने का। हाँ मेंबरशिप में बाकी लोगों को भी दिखता है कि भाई तुम इस चैनल पे मेंबर हो, और अभी मेंबर के लिए ना स्पेशल वीडियोस चैनल पे हम डाल सकते हैं कि वो केवल मेंबर देखेंगे उनको, बाकी लोग नहीं देखेंगे, या मेंबर पहले देखेंगे बाकी लोग बाद में देखेंगे। उसमें टाइम रख सकते हैं कि तुम हो सकता है उस वीडियो को एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना, कितने दिन भी, मतलब मैं जितना टाइम डालना चाहूँ उतना टाइम डाल सकता हूँ कि उतने दिन पहले तुम देख लो वो वीडियो, बाकी लोग उतने दिन बाद में देखेंगे। ये बेनिफिट होते हैं मेंबर होने के। और मेंबर होने का एक और भी फायदा होता है कि मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में बंदों को ले लेता हूँ जो भी मेंबरशिप लेता है, मेंबर्स वाले बंदों को डायरेक्ट फ्रेंड लिस्ट में ले लूँगा अगर उसके पॉइंट भी नहीं है स्ट्रीम पे। तो फिलहाल मेरी फ्रेंड लिस्ट में आने के लिए पॉइंट ज़रूरी हैं, जो कि रखते हैं 1000 पॉइंट। तो 1000 पॉइंट तुमको धीरे धीरे स्ट्रीम देखने से डेली मिलते हैं ठीक है, तो ना करके तुम सीधा फ्रेंड लिस्ट मारने के लिए वो भी कर सकते हो कि मेंबरशिप ले लो तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। 199 का मेंबरशिप लेने का फ़ायदा, देखो मेंबरशिप में जस्ट इमेजिन भाई, तुमने किसी भी स्टोर पे जाके मील लिया है, मतलब खाना 50 रुपये की थाली में तुमको 50 रुपये जैसा खाना मिलेगा ठीक है, 100 रुपये की थाली में 100 जैसा खाना मिलेगा, 200 की थाली में 200 जैसा मिलेगा। सेम मेंबरशिप का भी है, मेंबरशिप के बहुत सारे पर्क्स हैं जो कि इनेबल हो सकते हैं। तुम मेरे साथ गेम खेल सकते हो, मेरे फ्रेंड डिस्कॉर्ड में आ सकते हो, फ्रेंड लिस्ट में आ जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम डीसी वगैरह एक्सेस कर सकते हो। मेरे डीसी का स्ट्रीमिंग सर्वर, मतलब इस डीसी के स्ट्रीमिंग सर्वर में तुम्हें गेम टाइम में ले पाऊँगा, ये चीज़ें हैं। अलग अलग मेंबरशिप लेवल की ठीक है, मेंबर्स ओनली ग्रुप बना के रखेंगे, मेंबर्स उसमें केवल आ पाएंगे, ये चीज़ है। अब बाकी लोगों को तो ऐसा नहीं देखा होगा ना तुमने कि मैं हर किसी को ग्रुप में ले रहा हूँ, हर किसी को मतलब डीसी से, मेरा मतलब डीसी वाले ग्रुप में। गेम में बंदे आते हैं तो मोस्टली म्यूट रहता है, लेकिन डीसी पे तो ऐसा नहीं होता, डीसी पे सबका माइक ऑन रहता है। रिएक्शन बॉयज वेलकम बैक टाको। एक 118 गोलियां हैं मेरी इस गन में। अरे यही तो उतरी थी नोबड़ी। ये गन का चूज नहीं कर पा रही कौन सी गन इसको चलानी चाहिए कौन सी नहीं चलानी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर हमने इसको बता दिया कि तू कोई सी भी मत चला, दोनों में ही चला लेता हूँ। कैप्चरिंग द रिवाइवल पॉइंट। अरे यार करना इसको यूज। इधर एक बोट उतरा था, मैं उसको मारा भी, पता नहीं इसने भागने दिया उसको, जाने दिया नहीं, भागा तो नहीं है। हर्षित
वेलकम टू स्ट्रीम। बोट को M4A1 कुछ ज्यादा लव होता है क्या? ये सारे घरों की भाई पोजीशन और विंडोज वगैरह सब कुछ चेंज कर दी, किसी का विंडो इधर से उधर कर दिया। अपडेट के बाद गेम बेकार हो गया है। कुछ एक चीज़ें ठीक भी हुई हैं, कुछ एक चीज़ें खराब भी हो गई हैं भाई, क्या बोले। अपडेट के बाद नई चीज़ें आती हैं तो हमें उसकी आदत नहीं होती, मतलब वी आर नॉट अडेप्टिव टू दैट, तो धीरे धीरे उन चीज़ों का फिर आदत लग जाता है। और सही भी है वैसे तो, क्योंकि क्या होता है कि गेम जब भी अपडेट होगी, अब गेम में चेंजेस नहीं होंगे तो सेम गेम खेल खेल के बोर भी हो जाएंगे। अभी जितना गेम चल भी रही है उतनी भी नहीं चलेगी, के पीछे भी लॉजिक ही होता है। और दूसरी बात यह कि नए लोगों के लिए गेम को समझना थोड़ा टफ होता है, और पुराने बंदे होते हैं उसमें एकदम प्रो हो जाते हैं। अगर चीज़ों में चेंज नहीं करेंगे तो नए लोगों के लिए बड़ी दिक्कत रहेगी पुरानों के सामने और साथ साथ में खेलने का। इसलिए गेम गेम को चेंज होना ही पड़ता है। अरे भाई क्या आप हैं स्ट्रीम डीसी में? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं खाने गए थे ना, तो मैं सोचा कि अभी फिनिश कर दे उस हिट लिस्ट पे। क्या हो रखी है, कोई बात नहीं, हो तो ठीक है। 3-5 एकदम औकात पे आ चुका है अभी। गुड जॉब। हिटलेस मिशन एक्सेप्टेड। नहीं मैं तो सिर्फ 10 बजे तक करूंगा, वो भी बस मैक्सिमम लास्ट के पहले ही कर दूंगा मोस्टली तो। हाँ ज़्यादा देर नहीं यार, थका हुआ हूँ मैं कल का। ओडी भाई पता है ना तुमको, आज पूरा दिन भी बाहर था मैं, आज पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला रेस्ट करने का। हाँ इमोजी इमोजी बहुत सारे देखे मैंने, बीच बीच में फ़ोन चेकआउट किया तो इमोजी देख रहे था। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई रिप्लाई करूँगा तो रिप्लाई का मतलब क्या पता वो एकदम से इंस्टेंट रिप्लाई करे भी या ना करें, और दूसरा प्रॉब्लम ये कि करेंगे भी तो मैं उतनी देर बात नहीं कर सकता, तो इसलिए चैट का रिप्लाई भी पढ़ तो लिया पर फिर रिप्लाई नहीं किया कि बाद में एक साथ ही देखते हैं शाम को ही बात करनी है तब भी। कैप्चरिंग द डिफेंस एयरड्रॉप। ये कर रहे हो तुम काम? हिटलेस मिशन एक्सेप्टेड। नानी नानी
equipment. एक मिनट, हेलो बड़ी भाई। अरे मैं गेम में हूँ और गेम में मेरे अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट से मेरा मतलब है इसी गेम के अंदर शायद तो हमारी गिल्ड का जो बंदा है ना ओम गेमर, वो भी आया है। मैंने अभी 2-3 बार ना किल फीड में देखा है शायद, तो उसका नाम अभी अभी जस्ट, हाँ पिछले एक मिनट के अंदर ही देखा है, पिछले एक मिनट के अंदर अंदर देखा है। मैं ऊपर से दौड़ के आ रहा हूँ ना सामने से, तो वहां पे आया है बीच में अभी अभी नाम वापस उसका शायद। मैं 2-3 बार थोड़ा किल फीड में देखा है कोई नाम ऐसे ओम गेमर टाइप का, बिल्कुल जैसे मुझे लगा ओम गेमर ही नाम आ रहा है बार बार। Capturing the defense airdrop. आंसू ओम है शायद, हो भी सकता है वही हो, मतलब मुझे ओम दिखा, ओम गेमर ही लगा मुझे। नहीं ए ओ एम, खाली ओ एम है। मतलब ज्यादा क्वालिटी में देखने से फोन की जलेगी फालतू में। कोई और होगा फिर, ओम गेमर नहीं, मतलब ओम मुझे दिखा ऐसे लगा कि ओम गेमर हो, तो उसको 2-3 बार में नोटिस ही नहीं कर पाया। छोड़ो जो भी था, नहीं 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 गॉन गॉन। वैसे क्या बोलते हो, अभी ऑफ कर दिया जाए क्योंकि वॉचिंग तो है नहीं, कल फिर दिन में ही करी जाएगी स्ट्रीम। नहीं वन मोर नेक्स्ट डे एफएफ भाई, वन मोर बस करते ही हैं हमें कल। अभी यार मैं ना आज पूरा दिन बाहर था कुछ काम से, पूरा थका हुआ, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, पर 2 दिन स्किप करना नहीं चाहता था इसलिए आज स्ट्रीम किया। चलो आओ फिर आते हैं, रुको ओडी भाई को आ जाने दो, मैं ग्रुप बना रहा हूँ तब तक, ठीक है। मुझे इन गिल्ड इनवाइट भेज दो सार्थक मिश्रा भाई। गिल्ड इनवाइट के लिए तो भाई तुम्हें एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, गिल्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, और गिल्ड टेस्ट के लिए पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर तुम एलिजिबल होते हो तो ही तुम्हारा हो पाता है, वरना तो नहीं होगा भाई। देख लिया मैंने, चलो ये लो, बाकी 2 लोग आ जाओ, मैं चैट में आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है, चैट में टीम कोड भेज रहा हूँ, चैट में टीम कोड से ज्वाइन कर लो जिसको भी आना है। ये लो भेज दिया मैंने, मेरे पास कस्टम है अनलिमिटेड कुछ घंटों के लिए, कोई बात नहीं, वो तो सबको मिल ही रहा है तो भाई कोई वो जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी।
मैं तो मैच लगाने का ट्राई करूंगा, अपोनेंट में आने का ट्राई। ओके चलो फिर इतने में ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई एक है तो बुला लेते हैं। टेक सम स्लैम्स। बस मैं टॉप अप नहीं करता, पर एक दोस्त से रिडीम लेके किया और मेरे पास क्यूविंग आ गया। क्या बात है, क्या करूँ टेस्ट पास के लिए? टेस्ट पास के लिए भाई तुम्हें ना एक अपनी आईडी को चेकआउट करके देखना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी हुई है गिल्ड टेस्ट के लिए, उनमें तुम्हारी आईडी फिट बैठती है या नहीं है। मतलब वहाँ पे लेवल, रैंक, केडी, हेडशॉट रेट वगैरह लिखे हुए हैं, वो चीज़ें देख लो कि वो तुम्हारी कंप्लीट हैं या नहीं है। वो कंप्लीट है तो फिर एक टेस्ट के लिए लिखा हुआ है, 1v2 ओनली वन टैप टेस्ट होगा। नींद आ रही है अब तो। अगर वो पास कर लेते हो तो तुम्हें गिल्ड में ले लेंगे भाई। ठीक है, आने से पहले नाम भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी देख लेना कि नेम चेंज कार्ड है या नहीं है। कैसे भी करके नेम तो चेंज करना ही है। और आने के बाद तुम्हें पर भी 8000 ग्लोरी करना पड़ेगा गिल्ड प्लेयर्स के साथ खेल के, वो भी देख लेना कर सकते हो या नहीं। फिलहाल मैच हमारा लग चुका है, अगेन स्टार्ट। अरे लग गया मेरा मैच, तो मेरा मैच लग गया। बाय द वे मैं तुम्हें बताऊँ ना, नेक्स्ट डे भाई मैच नहीं लगेगा, बी आर रैंक पर नहीं लगेगा, क्योंकि बी आर रैंक में ना पीसी वर्सेस पीसी मैच मेकिंग होता ही नहीं है। बी आर में बहुत ज़्यादा रेयर चांस है कि तुम अगेंस्ट में आ जाओ या उसी गेम में आ जाओ, कुछ भी हो मतलब ऐसा। अलग ही लोबी मिल जाती है पूरी, क्योंकि एक ग्रुप डालते हैं बस पीसी का, बाकी बोट भर देते हैं फ्री फायर वाले, एक नंबर के बहन के भाई हैं। हेलो, अभी आवाज आया, तब से आया ही नहीं था। Got a gun. पूरा रात ये बोलता हंटर भाई, गुस्सा हो गए क्या? थोड़ी देर बोलता फिर बोलता भाड़ में जाए। आज इंसान को कितना एटीट्यूड है रे, बात ही नहीं कर रहा भाई ये बंदा। चल ना भाड़ में जा तू, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा डीसी पे, बोल के चला जाता। हो सकता है ड्रैग हो गया हो किसी से, नीले से हुआ होगा। मैं तो 2 दिन से डीसी में आया ही नहीं हूँ। मैं देखा नहीं उधर उतना ज़्यादा, मुझे स्ट्रीमिंग सबसे नीचे ही मिला था जब मैं कनेक्ट हुआ था। तो
अरे फॉग भी अपग्रेड हो सकती क्या? Capturing the defense airdrop. कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? अभी अभी ड्रॉप करी थी मैंने वो, दो लेवल के इधर चाहिए था। AWM उठा लिया अभी। ये इतनी दूर से मैग भर रही थी, इतनी दूर से मैग भर रही थी। और भाई मैं, मुझे इस पर तरस आया, बोला ले मैं तेरे कष्ट खत्म कर देता हूँ। वो मैंने चेक नहीं किया, मैंने तो हेड पे मारा था। सेवेज नहीं था हाँ, मतलब मैंने उसका बस सर खोला। मोनिशा कैसी हो? मोनिशा सही है भाई। इसको इसको मैंने मारा, इसके सामने कौन सा पेन होता है? अरे फिनिश कर रहा है मुझे, जल्दी आओ। अरे इसके पेट पे भी पेन का आवाज आया। उठी मैं जैसे ही मैं इसको मारा ना, इसके पेट पे पेन का आवाज आया, मेरा गोली पेन को लगा है। मेरे वेस्ट की धज्जियाँ उड़ा दी भाई इसने, वेस्ट बिल्कुल निशान बाकी बचा था। ये चैट से ही है भाई, एक क्या नाम है, सार्थक मिश्रा शायद। कैप्चरिंग द रिवाइवल पॉइंट। लव यू यार, क्या बात है। अच्छा लव यू यार। मजाक कर रही हूँ, सॉरी, कोई बात नहीं, कर लो मजाक। नहीं जा रहा हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। Capturing the defense airdrop. Robert Downey Vadra. हाँ मैंने देख लिया वीडियो, बस म्यूट म्यूट में देखा उसको, आवाज ओपन नहीं करके देखा, बस म्यूट में देखा है। ओ oh.
मैं इसलिए नहीं देखा, पता चलता कि उधर पे गालियां दे रखी हैं मुझे। अरे यार भागते हुए बोट को मैंने हेड मारा यार। ओड़ी भाई कैसे बात कर रहे हो तुम? अरे कैप्चरिंग द डिफेंस एयर ड्रॉप। नहीं मैं दो को मारा, दो के अलावा तीसरे को उस एक ने मारा होगा जिसको मैंने मारा। मतलब एक बंदा तो भाग के जा रहा था, मैंने उसको AW में हेड मारा, दूसरा बंदा किसी पे स्कोप करके मार रहा था तो मैं उसको मारा। और मतलब मारने से पहले शायद उसने किल ले लिया होगा दूसरे बंदे का। लास्ट 10 लोग बचे हैं। हेलो, अरे 10 लोग बचे हैं, 9 बचे हैं सिर्फ। कर रहा हूँ भाई, मैंने अकेले ने 10 किल लाए रखे हैं, और कितना जल्दी खत्म करूँ। ढूंढ ढूंढ के मार रहा हूँ ये तो भाई। ओडी भाई ने मार दिया ले एक को। लास्ट बंदा बचा है, चलो ओड़ी भाई मार दो जल्दी से, ढूंढ के कहाँ है वो। ये इसको हेडशॉट किसने मारा लास्ट बंदे को? पर लास्ट का हम तो चार चार नहीं है ना, 3 बंदे हैं हम तो। चलो आप कल लाइव नहीं आए तो फिर ऑडियो वाला क्यों बोले? हाँ नहीं, बिल्कुल एक बार चेक करो ऑडियो। वो तो मुझे नहीं पता दिखता है या नहीं, पर मैं AWM से इसको सिर्फ 1200 के हेड मार रहा हूँ लगातार। हाँ तुम कह तो ऐसा चुनाव। डू यू बिलीव कि मैं फीमेल ओनली? हाँ ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम महिला हो, तुम स्त्री हो, कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी चलो। क्या खेलने वाले हो? यस रैंक खेल लेते एक दो गेम फिर चलते ऑफलाइन।
बुलाओ किसी को अगर कोई है तो। वी आर काफी खेल लिया हूँ, इतना ही काफी है। बुआ पास के मिशन भी सारे हो जाए। स्त्री मतलब स्त्री मतलब स्त्री का मतलब महिला मतलब फीमेल मतलब वुमेन। वीक वन का भाई यूज 8 मेडिकेट इन बीआर मोड। अच्छा 7 यूज कर ली मैंने। ओपन 3 अर्सनल, इसको तो रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो मिशन हो गए। 1200 डैमेज लॉगिन फॉर 7 डेज, एक दिन रह रहा है। और ये 2 घंटे बाद फोर्थ वीक ओपन हो जाएगा। इसमें कैप्चर डिफेंस एयर ड्रॉप 3 बार, इसको भी रिफ्रेश कर दूंगा मैं। भाई उसको रिफ्रेश ही कर दो, आर्सेनल वाला तो रिफ्रेश ही कर दो ओडी भाई, तो वो सबसे मनहूस होता है। बाय द वे मैंने तो मजाक किया था, सॉरी। कैसा कौन सा मजाक बताओ। कैसा मजाक कौन सा मजाक बताओ। मेरठ का लड़का रिक्वेस्ट भेज दो। मेरठ का लड़का भाई स्ट्रीम में स्वागत है आपका, और लव यू वाला। ओके कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट भाई आईडी इंस्पेक्ट कर दूंगा मैं तुम्हारा। रिक्वेस्ट के लिए ब्रो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रीम पे रहना पड़ेगा, जब तुम्हारे पॉइंट उतने हो जाएंगे जितने फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए चाहिए होते हैं, तो मैं तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दूंगा। ठीक है 551। नेटवर्क इशू भाई, ये आईडी नहीं आ रहा ब्रदर आपका। अच्छा इसमें 9 भी है यार, लास्ट में 9 भी है। गडरिया नाम है। ओके यूपी 15 से 62 लेवल, 3505 लाइक है। बीआर का स्कोर है 4050। सीएस रैंक में प्लेटिनम 2, बढ़िया। और यहाँ पे मैक्सिमम गेम 212, बीआर स्कोर में 350 से ऊपर 360 लगभग किल कर दिया है। KD 1.78 का है और हेडशॉट रेट 13% का बीआर में। सीएस रैंक में 46 गेम 137 एलिमिनेशन, KD 1.42 का और हेडशॉट रेट 335 का। कहीं पे कस्टम की बात करें, कस्टम में इन्होंने खेले हैं 79 गेम्स एलिमिनेशन 297 और 1.57 KD के साथ 40 का हेडशॉट रेट। बढ़िया भाई, गढ़िया भाई, क्या भाई। आईडी पे रिक्वेस्ट भी तुम्हें डाल देंगे जब तुम्हारे पॉइंट्स स्ट्रीम पे उतने हो जाएंगे जितने जरूरी होते हैं। AK गेमिंग स्ट्रीम में स्वागत है तुम्हारा भी। चलो एक कोई बंदा आ रहा है तो ऐड कर लो, अगर कोई नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा Free Fire India is set in a virtual world. नहीं होता ऐसे, ऐसे होता है। इसके पीछे ये ब्लॉक, अरे राइड 110 लगा इसको, 110 लगा और 10 के 3 भी लगे हैं। हट भाई, मैं कितना डैमेज दिया हूँ पर मारा किसी को नहीं, देखो मेरी किस्मत। सबको हेड मारे भाई, सबको 110, 110 के बाद बंदे गायब हो जा रहे मेरे सामने से।
जो इक्वेशंस टीचर को नहीं पता वो साइंटिस्ट बताएगा, जो साइंटिस्ट को नहीं पता वो टीचर बताएगी। इतना आगे क्यों दोस्त? फेंस के ऊपर से कूद गया। मिस्टर फेब, कितने गेम में कितने किल हैं तेरे, कितने गेम में कितने किल हैं जरा वो बता, सीएस रैंक में, और वो पीसी लोबी में कितने हैं वो भी बताना। मोबाइल लोबी में भाई मुझे खेले हुए 3 साल हो गए मोबाइल के ऊपर, मेरे फ़ोन के अंदर गेम झाट चलता है, फिर भी मैंने 8-8, 9-9 किल निकाले हुए हैं मास्टर रैंक में जाके। रुक 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 रुक, एक बंदा मेरे सामने ही खड़ा है वे वाइट ग्लू वॉल पे, ठीक है होम गेमर पे डैमेज आ रहा है, वो तेरे पे भी मार कर रहा है। उसको ए ए राइट से, राइट से मारा मुझे, मारना उसको भाई। यार पीसी में कैसे खेल लेते हो यार, मुझे भी सिखा देना, आई मीन उसके लिए तो देखो पीसी तो मैं साथ में ला नहीं सकता, तुम्हें ही मेरे घर पे आना पड़ेगा इफ यू कैन। मोनिका मोनिशा Help me. मार, अरे मार दे, हेल्प कर दे कोई तो, आ जाओ मेरे पास लैपटॉप है चलेगा। 144 बड़ा ना, दोनों भी इधर ही भाई हैं। मत तोड़ मत तोड़ मत तोड़, आराम से ओडी भाई को आने दे, ओडी भाई घुसो ना। अरे मैं पहले ही एक बंदे को पूरा भर दिया, दूसरे ने मुझे लेफ्ट से आके मार दिया, ठीक है मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं पाया। फिर उसके बाद में फिर मैंने ट्राई किया वापस कि तुझे तुझसे कहो, नहीं है भाई पैसा ही नहीं है, मैं AWM ले आऊँ और प्लस मेरे पास में सिर्फ होम गेमर बहन के। अबे गांड मरा ले तू अपनी बहन के।
अरे मार दो इसको, 165 मारा। भाई मैं दो अटेम्प्ट किया AW मारने के, इसने दोनों में अपनी पिछवाड़ा डा दिया मेरे सामने। मैं क्या बोलूँ इसको, इसकी बहन का होम गेमर चूतिया ये भाई, दिमाग से तू बिल्कुल पूरा का पूरा। क्या बोलूँ इसे मैं, need equipment. मत उठा, मैं पर नहीं, क्लोज रेंज फाइट लेंगे बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, दूर से किसी को मारियो ही मत। मैं खुद MP40 ले आऊँ। पीछे से मार रहा हूँ। गर्वित हेलो ब्रदर, वेलकम टू स्ट्रीम। भाई जहाँ टीम ले ली मैंने ना साथ में, एक नोबड़ा तो इतना बड़ा लिया, नोबड़ा लिया इसने, खुद नहीं मारा और मारने तक नहीं दिया। मैं जहां भी मारने जा रहा हूँ वहीं सबसे आगे ओम गेमर, सारी की सारी बुलेट इसके बॉडी पे कनेक्ट हो रही है। तू निकल भाई, जा यहाँ से। कैसे निकालते हैं अब तो समझ में भी नहीं आता, टीम में से किक कैसे मारना है ढूंढना पड़ता है उसको, किक वाले ऑप्शन को। गाली मत दो यार, सॉरी। देख लो यू आईडी, मिस्टर फैज, रुको मिस्टर फैज की आईडी देख लेते हैं। वो नहीं है, एक मिनट में एक आईडी देख लेता हूँ। 2488312001 रोकी भाई का 69 लेवल है, सीएस रैंक में 87 स्टार किए हुए हैं, 212 गेम, 41 का हेडशॉट रेट, 900 नहीं खेला। ठीक है भाई, गेम प्ले तुम्हारा ठीक है रोकी भाई, देखेंगे तुमको अभी, चेकआउट करेंगे, आजमाएंगे। ठीक है, मुझे ले लो गर्वित भाई, कोई बात नहीं गर्वित भाई, तुम्हें भी ले लेंगे अभी, देंगे तुम्हें भी एक मौका PC देके। ठीक है गर्वित, एक नॉक है। ए बचाओ ना आके मुझे, जल्दी मारो इसको, अंदर एक नॉक है, रिवाइव दे रहा है भाई। अरे अंदर नो की रिवाइव दे रहा है भाई, क्या करो तीनों के तीनों। अब कौन सा निकालोगे तुम, मैं देखूंगा तुम्हारा। दोनों का क्या लिया था, क्यों लिया था, M500 कितने बंदों को लगाया तूने, टच किया किसी को? तो फिर हमारे यहाँ बहुत है, क्या है तुम्हारे यहाँ, क्या है मेरे हाथ में भी ना दर्द सा हो रहा है आज तो। राइट पे एक बंदा है। अरे दूर से मार दिया मुझे, मैंने इसको मारा ओडी भाई, तुम्हारे बंदे को जो तुम पे मार रहा था। राइट पे दोनों बंदे, एक लॉन्ग पे एक पास में ही है। थैंक्स,
लेफ्ट पे आ गया, लेफ्ट पे ही है, दिख गया ना। अरे दो बंदे हो तुम, दोनों घुस जाओ ना उसके शक्ल पे जाके। भाई को तो इतना टाइम ले रहे भाई, इधर ही तो खड़ा है। अरे बाहर कसम से एक नॉक चाहिए और पूरी स्क्वाड को रश करना चाहिए विद इन सेकेंड। चलो मिस्टर फैज, अभी नेक्स्ट गेम में तुम्हें बुला के और फिर ये स्ट्रेटेजी तुमसे ही करवा के देखेंगे, लेट्स सी तुम क्या कर सकते हो। एक नॉक तुम्हें मैं दूंगा, पहला नॉक मैं करके दूंगा और फिर पूरी स्क्वाड को तुम लेके घुसना, लेट्स सी तुम कितना कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल और पीसी का गेम प्ले मुझे नहीं लगता कि एक जैसा होता है। हाँ जी सर, सामने एक नॉक है, अंदर नॉक है उड़ गई। यहीं पे एक बंदा खड़ा है यार, ए की बहन का इग्लू नहीं है क्या? थैंक्स थैंक्स थैंक्स। Thanks. Thanks. अरे मुझे लेना इस गेम के बाद भाई, अगर कर दिखाया तो मैं समझ लूंगा कि तुम अच्छे प्लेयर हो, मतलब भेज सकते हो मोबाइल, भेज सकते हो पीसी। देखो ऐसा होता है पीसी के सामने, ऐसा तो है नहीं कि हर एक गेम में पैनल यूजर आएगा, हर एक गेम में हैकर आएगा। एक गेम में नॉर्मल बंदे भी आते हैं, एक गेम में पूरे पैनल यूजर आते हैं। लाइक अभी सामने वो बंदा AWM के ओनली हेड मार रहा है, चांस ही नहीं दे रहा कुछ भी, सीधा सर खोल रहा है, कोई भी सामने आ रहा है सीधा सर। वो देखो उसने जंप करके, उसने ड्रैग, सामने नॉक है वो। अरे इनका स्नाइपर नॉक कर दिया था यार, बंदा घुसा है हमारे इसमें डबल डोर में। हंटर भाई को पेल दिया, थैंक्स। इधर विंडो से पड़ रही है पीछे से, थैंक्स। भाई ये गंदी गंदी स्विच हो रही है भाई, उसकी स्विच हो रही है, पैनल वाला है वो तो। वो भाई इतनी जल्दी टप टप, दो ऐसे AWM मारा, टप 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 टप, इतनी तेज चल रहा है उसका, देख इसकी बहन का। रिपोर्ट मार दो इसको अगर कुछ हुआ तो, ठीक है
हालांकि कुछ घंटा नहीं होगा। ओड़ी भाई इधर ही रुकना, एक मिनट इधर ही रुकना ओड़ी भाई। हाँ जाओ 165 है उसको, उसको 165 है, स्नाइपर को 165 मारा है। देखो ना भाई, वो हवा में दोनों मार दिया एक साथ ही, मुझे तो पता भी नहीं चला। मार 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 मार, लगा हो उसको, एक हेड लगा हुआ है। मेरे यहाँ गर्मी है पर उतनी ज्यादा नहीं लगती है, मतलब क्या यार कह रहे ना, कोई ये चीज देखनी चाहिए, बाकी बाकी तो पता ही नहीं क्या ले, किसको ले, कैसे ले। पासवान को एक बार सोलो करना है, मिस्टर फैज को लेके देखते हैं मिस्टर फैज क्या खेलेगा, तो वैसे भी फाइनल यूजर है, अब तो हल्के बंदे देगा फ्री फायर। ठीक है मिस्टर फैज, क्या नाम है तुम्हारा गेम में बताना तो जरा, तो टीसी दे रहा हूँ, टीसी से आ जाना। क्या बोल दिया उसने, उसको टाइम आउट क्यों मार दिया? रोकी भाई कुछ बोल रहा था ना वो, फुल टी शर्ट, ये फुल ऐसा वाला गरम वाला नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा फील होता है पहली बात तो। भाई मैक्स आयु के भाई नेक्स्ट गेम में आ जाना यार, इसको माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। मैक्स आयु के नेक्स्ट गेम में बुलाता भाई तुमको एक बार, रोकी भाई को आ जाने दो ठीक है, इस गेम के बाद ज्वाइन कर लेना। हाँ मैं समझ गया गर्वित भाई, तुम नेक्स्ट गेम में आ जाना ठीक है, बुला लूंगा भाई। आउट ये ऐसे चोंच वाला मुंह बनाना भाई, वो नहीं आ रहा मुझे ले लो, आ जाएगा मिस्टर फैज आ रहे हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। हुँ?
भाई रिक्वेस्ट यार फैज भाई, टाइम तुम क्यों खराब कर रहे हो मेरा। रिक्वेस्ट मैं नहीं करता किसी को भी। ऑलराउंडर कौन है ये? ऑलराउंडर आ गया ये लो। छोड़ो फिर अरे यार हो ही नहीं रहा, ये किक भी नहीं हो रहा। तीन बार ट्राई के लिए नहीं हो रहा। पीसी चैट में सेंड किया था मैंने भाई, चैट में से उठा लो। तो बस मेरे 10 भी बज चुके हैं, मैं 10 बज गए। कितना टाइम हो चुका है स्ट्रीम को? 2 घंटा हो चुके हैं। ठीक है इसको बंद कर देता हूँ बस, और मैं चाहता हूँ इसके बाद ऑफलाइन एक गेम के बाद। अक्षत को आने दो, खेलो उसके साथ। ब्रो आई एम नो ऑलराउंडर भाई, स्ट्रीम में तो स्वागत है तुम्हारा, पर कुछ नहीं बोल सकता।